नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर आ गई है नई अपडेट। तो दोस्तों, जो नई अपडेट आई है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल में ही सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। इस बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर नई अपडेट आ गई है कि सरकार इस वर्ष फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि कर सकती है। इससे कर्मचारी की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी नहीं होगी। बार सरकार इसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोरोना वायरस महामारी और महंगाई के कारण इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को नहीं बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर पर अगले वेतन आयोग तक फिलहाल कोई फैसला नहीं होगा। अगला वेतन आयोग कब आएगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार की कोशिश है कि ऐसा फॉर्मूला तय किया जाए जिसे समय पर वेतन में इजाफा हो। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी की काफ़ी समय से की जा रही मांग उनके फिटमेंट फैक्टर को 3.68% कर दिया जाए। फिलहाल यह 2.57% है। कर्मचारी को उम्मीद थी कि मार्च में बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर की घोषणा हो सकती है। हालांकि कर्मचारियों के हाथ में निराशा लगी है। दोस्तों, सेवंथ पे कमीशन के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57% है। केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जाता है। सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे जोड़कर बेसिक सैलरी बढ़ाई गई है, जिसमें करंट एंट्री लेवल के वेतन को निकाला गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।